ये रोमांटिक कॉमेडी है, चार लोगों की कहानी है। एक कपल है, शादीशुदा कपल है, जिनके बीच ज्यादा फिलहाल बनती नहीं है, तो वो प्यार ढूंढने बाहर चले जाते हैं। आई वाज ट्राइंग लुकिंग फॉर अ वे टू से दैट, प्यार ढूंढने बाहर चले जाते हैं और फिर वापस एक दूसरे तक मतलब वो जो प्यार सूख गया था ना थोड़ा, जिसे ढूंढने वो बाहर गए थे, अचानक उन्हें वो प्यार अपने अंदर मिल जाता है। हाँ अब क्योंकि अब तो प्यार बाहर भी कर चुके हैं, वापस एक दूसरे के साथ प्यार में है, तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। इन लोगों की हालत बहुत खराब है, पर उसे देख के ऑडियंस को बहुत मजा आता है। विद्या जी के साथ काम करना का अनुभव आज तक जितने लोगों ने इनके इंटरव्यू लिए हैं, जितने लोगों ने इनकी हंसी सुनी है, इनकी बातें सुनी है, और सबने जो बोला है वो एकदम सच है। फर्स्ट एड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतना ही सरल व्यक्तित्व है, इतना ही खुश मिजाज इनका, रोज का जीवन ही ऐसा है इनका, तो सेट में भी वही रिफ्लेक्ट होता है। और मेरा इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने का ये पहला अवसर था, तो जिस हिसाब से मुझे इन्होंने कंफर्टेबल फील करवाया, जिस हिसाब से हमारी दोस्ती हुई, शायद उसी की वजह से जैसा परफॉर्म कर पाए हैं कर पाए हैं। थैंक यू। आई थिंक हर कपल का एक अलग मंत्र होता होगा, पर मेरे ख्याल से एक दूसरे से अगर हम खुलकर हर चीज के बारे में बात करें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। सिद्धार्थ और मैं हर चीज को डिस्कस करते हैं, अगर किसी को बुरा लगा, अगर किसी को गुस्सा आया, प्यार हुआ, तो वो भी जो भी हम सच सच अपने फीलिंग्स व्यक्त करते हैं एक दूसरे से, वो बहुत जरूरी होता है। सब कुछ शेयर करना आई थिंक एक कपल के लिए, और वक्त, बहुत ज्यादा वक्त साथ में बिताना मेरे ख्याल से जरूरी है। पर प्रतीक मेरे से इस मामले में सहमत नहीं है, क्योंकि वो इतना काम करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता। पर आई डोंट नो, ही स्टिल मैनेजेस ब्यूटिफुली, सो यू मस्ट टेल अस कि मंत्रा क्या है। नहीं, वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर अगर ऐसा हुआ तो। मुझे लगता है दूर रह के भी करीब रहने के मतलब जो बहाने हैं, हम लोग अभी भी इतना टाइम चोरी करके एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि प्यार को अच्छे से बनाए रखती आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोग एक दूसरे से के टच में नहीं रह पाते। हाँ, अगर बच्चे हैं तो दूसरी बात है। आई थिंक बिकॉज को पेरेंटिंग का जमाना है, तो उस वजह से कपल्स हैव टू कीप इन टच। एंड अगर आप दोनों इससे सहमत हैं, इस डिसीशन से, और आप खुश हैं अपनी लाइफ से, तो शायद एक दूसरे से अच्छी तरह आप बर्ताव कर पाएंगे और शायद दोस्त रह पाएंगे। पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। हाँ, मतलब ये चीज अगर आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को ज्यादा असर नहीं करती है तो बेशक दोस्त रह सकते हैं। मतलब मैं वही वही बोलने वाला हूँ। नहीं, पर आई थिंक दोस्त रह सकते हैं, पर पति पत्नी दोस्त नहीं होते। उनमें दोस्ती हो सकती है, पर वो दोस्त नहीं होते। सिर्फ दोस्त नहीं होते, दोस्त से आगे का एक स्टेप पे चले जाते हैं। प्रभाव से ज्यादा दबाव बहुत डालते हैं, मुझे लगता है। सोशल मीडिया पे हर एक चीज के लिए आपको लाइक्स चाहिए, हर एक चीज पे आपको कमेंट चाहिए, और मतलब 25 अच्छी कमेंट है पर एक दो बुरी कमेंट भी आपको असर कर जाती है, तो मुझे लगता है नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती भी है। नकारात्मकता एक ऐसा एक तीर है ना, जो कहीं दूर तक भी जा सकता है और ये मल्टीप्लाई होता है। थैंक यू, मुझे बड़ा मजा आता है कॉमेडी करने में, तो मैं अपनी भड़ास वहां निकाल लेती हूँ इंस्टाग्राम पे। बहुत ज्यादा सुन। थैंक यू। नहीं, मैं एक्चुअली रेगुलरली नहीं करती। जब किसी प्रोग्राम के लिए तैयार होती हूँ तब मैं एक रील शूट कर लेती हूँ, तो वो शूट करके रख लेते हैं और कभी कभी डाल देते हैं, हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्तों में एक बार, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। मतलब ये सिचुएशन शायद उनका बहुत ही अलग है और कंफ्यूजिंग है, पर उसके किसी ना किसी एस्पेक्ट से आप रिलेट कर पाएंगे, और बहुत मजेदार फिल्म है। सारे वरीज जो हैं आप घर पे छोड़ के जाइए और बस अपने पार्टनर के साथ जाइए, किसी और के पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं। तो पता चलेगा कि मुझे वापस अपने पार्टनर के पास जाना है कि नहीं जाना। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।